हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टनर टुडे विल टॉक अबाउट द वर्क ऑफ ओरहन पामुक व्हाट डू आवर माइंड्स डू व्हेन वी रीड नॉवेल्स ये जो ऐसे है ये इनकी बुक नेव एंड सेंटिमेंटल नॉवलिस्ट से लिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरहन पामुक का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फेरिट औरहन पामुक इनका फुल नेम है 1952 इनकी जो है वो डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ है और इनकी डेथ डेट ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है इज़ अ टर्किश नावलिस्ट हैं स्क्रीन राइटर हैं अकेडमिक है एंड रिशिपियट ऑफ द 2006 थाउजेंड सिक्स नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और 2006 थाउजेंड सिक्स नोबल प्राइज़ इन्हें मिला था लिटरेचर के लिए ही इज़ अ प्रोफेसर इन ह्यूमैनिटीज़ एट कोलम्बिया यूनिवर्सिटी वेयर ही इज राइटिंग एंड कम्पेरेटिव लिटरेचर ये कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ के प्रोफेसर हैं और वहाँ पर लिटरेचर और राइटिंग्स पढ़ाते हैं द एसे वट आर माइंडस डू वैन वी रीड नावल्स इज फ्रॉम हिज बुक द नेव एंड द देंटीमेंटल नावलिस्ट जो ये एसे है वट डू आर माइंड डू वैन वी रीड नावल्स ये इनकी जो बुक है द नेव एंड द देंटिमेंटल नावलिस्ट वहाँ से लिया गया है द बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ पामुक्स नॉट एन लेक्चर्स डिलीवर्ड एट हारवर्ड यूनिवर्सिटी जो ये बुक है ये उनके लेक्चर्स का कलेक्शन है जो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर किए थे एज क्लेम्ड बाय पामुक हिमसेल्फ द बुक हैज़ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट ही नो एंड हैज़ लर्न अबाउट द नावल पामुक खुद क्लेम करते हैं इस बात का कि इस बुक में सभी वो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो उन्होंने नावल के बारे में पढ़ी हैं इट इज़ एन अटैम्प्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर द इफेक्ट्स दैट नावल हैज़ ऑन इट्स रीडर हाउ अ नावल इज़ रिटर्न एंड हाउ इट इज़ रीड इसमें जो है ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई भी रीडर नावल को रीड करता है तो उसके माइंड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे एक नावल लिखी जाती है और कैसे एक नावल पढ़ी जाती है नाव नावल एंड एल्यूजन ऑफ रियल लाइफ नावल जो है वो रियल लाइफ का एल्यूजन है रियल लाइफ का भ्रम है अब वो कैसे हैं हम डिस्कस करते हैं एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज एसे पामुक सेज दैट नावल्स आर सेकेंड लाइव्स ऐसे की स्टार्टिंग में ही नावल बोलते हैं कि नावल्स आर सेकेंड लाइव्स जो नावल हैं वो दूसरी जिंदगी हैं लाइक ड्रीम्स नावल्स रिविल कलर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आवर लाइफ्स जैसे जैसे हम कोई भी सपना देखते हैं तो उसमें अगर वो सपना हमें अच्छा आता है तो हम खुश रहते हैं और बुरा आता है तो हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है इसी टाइप से अगर हम किसी नावल को पढ़ते हैं और उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं तो उसमें भी कलर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसका इन्फ्लुएंस हम पर बहुत ज़्यादा होता है दे आर फुल ऑफ पीपल फेसिस ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन विच कैन बी इजली रिकग्नाइज जो नॉवेल्स हैं उसमें पीपल भी होते हैं फेसेस भी होते हैं ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं सिचुएशंस भी होती हैं जो कि हमारी रियल लाइफ में होती हैं जो कि बहुत इजिली रिकगनाइज की जा सकती हैं वैन वी रीड नॉवेल्स वी आर बाय द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर ऑफ थिंग्स जब भी हम नॉवल पढ़ते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो नेचर होता है थिंग्स का हम उसे बहुत ज़्यादा चार्म हो जाते हैं हम उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं we feel that we are in the midst of the imaginary events and people हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में हैं जो कि imaginary हैं और events भी हैं वो imaginary हैं Sometimes we feel that the fictional world that we find in the novel is more real than the real world. अब ये important बात है हमें लगता है कि जो हम work पढ़ रहे हैं जो हम novel पढ़ रहे हैं वो है तो फिक्शनल हमें भी पता है उस चीज़ का लेकिन कई बार वो रियल लाइफ से भी ज़्यादा रियल लगती है पामुक सेज़ ये कोटेशन है ये इम्पोर्टेंट ये हम डाल सकते हैं द सेकेंड लाइव्स कैन अपियर मोर रियल अस देन रियलिटी मीन्स दैट वी सब्सिट्यूट नॉवेल्स फॉर रियलिटी और एटलीस्ट दैट वी कन्फ्यूज दैम विद रियल लाइफ इसमें बताया गया कि जो नॉवेल्स हैं वो एक सेकंड लाइफ्स हैं क्यों क्योंकि वो रियलिटी से भी ज़्यादा रियल हैं और हम नॉवेल्स को रियलिटी की जगह पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और एटलीस्ट दैट वी कन्फ्यूज देम विद रियल लाइफ और हम एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं कि उनको रियल लाइफ से कन्फ्यूज़ कर सकते हैं बट वी नेवर कंप्लेन ऑफ दिस एल्यूजन लेकिन हम इस एल्यूज़न का कभी भी कोई भी कंप्लेन कोई भी शिकायत नहीं करते ऐसा हम क्यों नहीं करते अब देखो कोई भी हमें ड्रीम आ रहा है हम सो रहे हैं कोई अच्छा सपना आ रहा है तो हम क्या करते हैं सोते रहते हैं ताकि वो जो हमारा ड्रीम है वो सपना है वो आगे बढ़ता रहे क्योंकि क्यों इसका रीज़न क्या है क्योंकि वो हमें प्लेजर दे रहा है इस चीज़ से हमें खुशी मिल रही है तो नॉवेल्स भी ऐसे ही हैं नॉवेल्स में हमें पता है कि वो इल्यूजन है वो फिक्शन है लेकिन हम उसको फिर भी पढ़ते जा रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि वो हमें प्लेजर दे रहा है सो जस्ट एज वी वॉन्ट अ गुड ड्रीम टू कंटिन्यू सो वी वॉन्ट टू गुड सीन द इल्यूजन टू कंटिन्यू अब यही बात है जैसे हम एक गुड ड्रीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं वैसे ही हम इस एल्यूजन को इस फिक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं वी फील एंग्री एंड डिसपोइंटेड इफ एन नॉवल फेल्स टू कंटिन्यू द एल्यूजन दैट इट इज़ रियल लाइफ दैट इज डिपिक्टेड इन द नावल अब कोई भी नॉवल पढ़ रहे हैं हम बीच में क्या होता है कि कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है और हम उस इल्यूजन को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उससे हमें गुस्सा भी आता है और हमें डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि ऐसा क्यों हुआ हम कितनी अच्छी चीज़ कर रहे थे और बीच में ये डिस्टर्बेंस क्यों हुई आगे है स्टांसिस टर्ड्स रीडिंग नॉवेल्स नॉवल जब हम रीड करते हैं तो उसकी तरफ क्या स्टांसिस हैं क्या रुख है हमें क्या करना चाहिए वेन वी हैव अ ड्रीम वी टेक द ड्रीम टू बी रियल जब भी हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने को हम रियलिटी मानते हैं सिमिलरली वी रीड अ नॉवल अज्यूमिंग इट टू बी रियल जैसे हम नावल पढ़ते हैं तो उसे भी हम चूँ मानते हैं बट इन सम पार्ट ऑफ आर माइंड वी नो दैट ओल अजम्पन इज़ फॉल्स हम एक नॉवल पढ़ रहे हैं उसमें एल्यूजन है फिक्शन है हमें पता है वो हमारी रियलिटी नहीं है लेकिन फिर भी हम उस अजम्पन को ट्रू मानते हैं हमें पता है कि वो अजम्पशन है हमारी लेकिन फिर भी हमारे माइंड को भी पता है लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ते जा रहे हैं सो देर इज़ कॉन्ट्राडिक्शन अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हम पढ़ भी रहे हैं और हमें पता भी है कि ये एल्यूजन है इवन देन वी बिलीव साइमल्टेनियसली इन कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेट्स ऐसे ही हम जो है कॉन्ट्राडिक्ट्री स्टेट्स के साथ चलते रहते हैं देर आर मैनी चांसिस दैट वी कैन एडोप्ट ये नॉवल फिर मैट ट्रीट द नावल लाइटली और सीरियसली अब बहुत सारे स्टांसिस हैं जो हम एक नावल पढ़ते टाइम अडोप्ट कर सकते हैं हमें नावल को लाइटली लेना चाहिए या सीरियसली लेना चाहिए दस देर आर मैनी वेज ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एन नावल अब बहुत सारे तरीके भी हैं नावल को समझने के और पढ़ने के समटाइम्स वी रीड लॉजिकली एंड समटाइम्स विद आवर इमेजिनेशन कई बार तो हम एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरह नावल को लेते हैं और कई बार हम इमेजिनेशन की तरह लेते हैं

हमें बुक को इंटेंटली पढ़ना चाहिए मतलब हमारी इंटेंशन होनी चाहिए हमारा इरादा होना चाहिए और एक्सटेटिकली एक, एक ख़ुशी के साथ एक बहुत ज़्यादा प्लेजर के साथ हमें नावल को पढ़ना चाहिए